वो डरता है ना ही दबता है। 72 दिनों में मार चुका 129 रेट। मिलावटी और खराब खाने के खिलाफ छेड़ रखी है जंग। करीब 90 रेस्टोरेंट और पब को जारी कर चुके हैं नोटिस। 2012 बैच के आईएएस सिंगम वीआर करंट। साल था 2013 और जगह तमिलनाडु में शिवगंगा जिले का कराईकुडी इलाका। यूपीएससी 2012 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होता है। शहर के एक घर के बाहर मिठाइयां बटनी शुरू हो जाती हैं। लोग बधाई देने लगते हैं। इस घर में रहने वाले आरवी करण नाम के युवक को परीक्षा में 158वीं रैंक मिली थी। बेटे की सफलता पर पूरा परिवार झूम उठता है। पिता लाइब्रेरियन की नौकरी करते थे और माँ सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार। खुशी वाकई बहुत बड़ी थी। वक्त बीतता है और रैंक के मुताबिक युवक को आईएएस कैडर के तहत नियुक्ति मिल जाती है। तारीख थी 23 मई 2024। वक्त शाम के करीब 5 बजे और जगह हैदराबाद के माधापुर इलाके में जाना माना रेस्टोरेंट। अचानक तीन लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं और सीधे मैनेजर के पास पहुँचते हैं। तीनों अपने अपने आईडी कार्ड उसे दिखाकर तुरंत किचन की तरफ जाते हैं। किचन में घुसते ही तीनों अधिकारियों का गुस्सा भड़क जाता है। रेस्टोरेंट के उस किचन में हर तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। स्टोर रूम में कॉकरोच गंदे बर्तनों और खाने के सामान पर रेंग रहे थे। इधर उधर तलाशी होती है तो किचन में सिंथेटिक रंग भी मिलते हैं। रेस्टोरेंट को तुरंत नोटिस जारी कर सील कर दिया जाता है। तीन अधिकारियों की इस टीम को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आईएएस ऑफिसर आरवी करण था, जिसने बिना कोचिंग के यूपीएससी जैसी बेहद मुश्किल परीक्षा पास की थी। अपने यूपीएससी रिजल्ट के ठीक 11 साल बाद ये अफसर मिलावटखोरों और शराबखाना परोसने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आईएएस अधिकारी आरवी करण के नाम से तेलंगाना में आज मिलावट करने वाले थर थर कांप रहे हैं। करण जब भी दौरे पर निकलते हैं तो रेस्टोरेंट से लेकर होटलों तक हड़कंप मच जाता है। रेस्टोरेंट के मैनेजर पसीना पसीना हो जाते हैं, वेटर कांपने लगते हैं और शेफ घबरा कर पानी पीने लगते हैं। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में मिलावटखोरी करने वालों के बीच उनके नाम का खौफ है। दबी आवाज में उनकी चर्चा होती है और कहा जाता है वो अफसर किसी से नहीं डरता। वो आईएएस नहीं बल्कि सिंगम है। आईएएस के लिए सिलेक्ट होने से पहले आरवी करण 2007 में भारतीय वन सेवा के टॉपर भी रह चुके हैं। आरवी करण इस समय तेलंगाना में फूड सेफ्टी विभाग में कमिश्नर हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 72 दिनों के भीतर ही आरवी करण अकेले हैदराबाद में 129 रेस्टोरेंट पब और ढाबों पर छापा मार चुके हैं। छापेमारी की कार्यवाही के दौरान आरवी करण ने अभी तक 90 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। शहर में मिलावटखोरों के बीच इन दिनों यही चर्चा रहती है कि आरवी करण अब अगली रेट कहां करने वाले हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ आरवी करण ने छापेमारी की कार्यवाही 16 अप्रैल से शुरू की थी जो आज तक जारी है। उनकी जाँच के दायरे में केवल रेस्टोरेंट और होटल ही नहीं बल्कि स्कूल की कैंटीन और हॉस्टल के मेस भी शामिल हैं। शहर में शायद ये पहली बार है जब कोई अफसर इस तरह अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटा है। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बीच ऐसा अधिकारी आएगा। आईएएस करण का एक्शन फूड डिलीवरी करने वाले एप्स के गोदामों पर भी हुआ है। बीआर करण बताती हैं कि उनका केवल एक ही मकसद है कि लोग अगर बाहर खाना खाने जाएं तो उन्हें शुद्ध भोजन मिले। तेलंगाना फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में डिप्टी कंट्रोलर के पद से रिटायर हुए टी विजय कुमार बताती हैं कि बीआर करण न किसी दबाव से डरते हैं और ना ही किसी की पावर से। वो निडर होकर अपने कर्ज को अंजाम देते हैं। बीआर करण का ये मिशन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पिछले साल ही तेलंगाना में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने से 30 लोग बीमार पड़े थे। वहीं इसी साल जनवरी में शहर के एक फूड आउटलेट में खाना खाने वाले 15 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। करण अपनी टास्क फोर्स के साथ ढाबा बोलते हैं और खाने की क्वालिटी खराब मिलने पर तुरंत एक्शन लेते हैं।